हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्री अकाल। चले करते हैं आज की वीडियो के बारे में सीधी बात बिना इस बकवास। महिंद्रा अपनी थार रियर व्हील ड्राइव को 9 जनवरी को लॉन्च कर सकते हैं। इसका प्राइस 11.5 लाख रुपए के आसपास रहने वाला है, क्योंकि इसमें छोटा डीजल इंजन लगा होगा तो इस पर टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इसमें मराजो वाला डीजल इंजन लगा होगा जो लगभग 117 बी एच पावर प्रोड्यूस करेगा और 300 एन एम की टॉर्क। फिलहाल थार में 2 लीटर का एम स्टैंड पेट्रोल इंजन मिलता है और उसके साथ ही 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन भी मिलता है। रियर व्हील ड्राइव में पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो कि 2 लीटर का एम स्टैलिन पेट्रोल इंजन होगा। ये हार्ड टॉप और कन्वर्टेबल टॉप लेआउट के साथ अवेलेबल होगी। पेट्रोल रियर व्हील ड्राइव थार में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि एंड्रॉयड ऑटो ऐप और कार पर दोनों को ही सपोर्ट करेगा। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल, ESP, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, ऑल टेरेन टायर्स, मोल्डेड फुटस्टेप्स मिल सकते हैं। इसके अलावा 5 लीटर थार भी आने वाली है जिसका मुकाबला मारुति की आने वाली 5 लीटर जिमनी के साथ होगा और फोर्स की 5 डोर गोरखा के साथ होगा। उसके अलावा सुनने में ये भी आया है कि थार का एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है जिसमें 150 हॉर्स पावर की मोटर लगी होगी जो कि लगभग 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और इसमें 39.5 kWh का बैटरी पैक मिल सकता है। तो महिंद्रा को जल्द से जल्द अपनी इलेक्ट्रिक थार को भी लॉन्च करना चाहिए क्योंकि ये अपने तरीके की अलग ही इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो से इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा फिर इंस्टीट्यूट के लिए QR कोड को स्कैन करके अपना सपोर्ट जरूर भेजें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।